हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक स्टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स और सुपर हीरो से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में शक्ति वर्सेस अदर सुपर हीरोज, यानी राज कॉमिक्स की फीमेल फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो शक्ति और अदर सुपर हीरोज की फाइट और उसके रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में शक्ति का फर्स्ट अपेयरेंस हुआ इशू नंबर 106 बॉम्बे कॉमिक्स में, जिसमें नागराज और शक्ति का टकराव होता है। इस कॉमिक की स्टोरी लाइन में पाताल नागों के द्वारा महानगर को बॉम्बे क्षेत्र में बदलने की कोशिश की जाती है, जिसे नागराज के द्वारा रोक लिया जाता है। इस बीच गलतफहमी से शक्ति नागराज को दोषी मानकर उससे फाइट करती है, लेकिन इस जंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है और समय रहते उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है, यानी यह फाइट यहीं पर ड्रॉ हो जाती है। डोगा शक्ति। इस कॉमिक्स में शक्ति का टकराव डोगा से होता है, बल्कि इसमें शक्ति की ओरिजिन स्टोरी भी बताई गई है। जब एक लड़की पर कुछ गुंडे हमला कर रहे होते हैं तो डोगा आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय शक्ति वहां पहुंचती है और डोगा से पहले ही उन सभी गुंडों को सजा दे देती है। डोगा शक्ति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह डोगा को निशस्त्र और पंगु करके चली जाती है। फाइनली डोगा और शक्ति की फाइट में शक्ति ही विनर होती है। इशू नंबर 115 परमाणु शक्ति। इस कॉमिक्स में परमाणु और शक्ति की फाइट बताई गई है। साथ ही इस कॉमिक्स में शक्ति के मानव रूप चंदा के पति दिनेश पाठक को विलेन बताया गया है। यहाँ भी परमाणु और शक्ति का टकराव गलतफहमी के कारण ही होता है, जिसे समय रहते परमाणु यह गलतफहमी सुलझा कर लड़ाई बीच में रोक लेता है और इस फाइट का रिजल्ट भी ड्रॉ होता है। इशू नंबर 908 अमानुष और इशू नंबर 918 आधी औरत। एंथोनी सीरीज की इन कॉमिक्स में अमानुष नाम का एक किरदार होता है, जो कि आधा पुरुष और आधी औरत होता है। अमानुष के आपराधिक गतिविधियों के कारण एंथोनी और अमानुष का आमना सामना होता है। एंथोनी के प्रहारों से अमानुष के मुंह से चीख निकलती है, जिसके फलस्वरूप शक्ति वहां प्रकट होती है और शक्ति और एंथोनी के बीच फाइट होती है, जिसमें शक्ति एंथोनी को कैद कर देती है। बाद में गलतफहमियां दूर होती हैं, लेकिन यह तो जाहिर है कि एंथोनी और शक्ति की इस फाइट में शक्ति ही विनर होती है। आई मुसीबत और जिंदा पत्थर। भेड़िया की इन दो कॉमिक्सों में बताया जाता है कि असम के जंगलों में सिम्हा कबीलों के लड़ाकों के द्वारा सरदार चुनने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें शेरों का शिकार किया जाता है और इस शिकार को भेड़िया रोकता है। शिकारियों में एक लड़की भी होती है। जब इनका फाइट होता है तो लड़की की चीख निकलती है और शक्ति प्रकट होती है। भेड़िया और शक्ति में फाइट होती है, लेकिन हर उम्मीद के उलट इसमें शक्ति भेड़िया का बाजा बजा डालती है। नो डाउट कि डोगा की ही तरह भेड़िया भी शक्ति से बुरी तरह हारता है और यहाँ शक्ति ही विनर होती है। इशू नंबर 973 वंडर वर्ल्ड, इशू नंबर 983 मशीन फेल, इशू नंबर 991 वंडर वुमेन। इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की इन कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील का सामना उसकी डेंजरस मोस्ट फीमेल सुपर विलेन वंडर वुमेन से होता है, जिसके कारण इंस्पेक्टर स्टील और इंस्पेक्टर सलमा की जान खतरे में आ गई थी और इस कारण इंस्पेक्टर सलमा की चीख के कारण वहां प्रकट होती है शक्ति। वह इंस्पेक्टर सलमा को तो बचाती ही है, साथ ही इंस्पेक्टर स्टील की भी जान बचाती है। इस सीरीज में शक्ति और इंस्पेक्टर स्टील का फाइट तो नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर शक्ति इंस्पेक्टर स्टील की मदद ही करती है। इशू नंबर 116 ध्रुव शक्ति। फाइनली अब हम बात कर रहे हैं ध्रुव वर्सेस शक्ति की। जाहिर सी बात है कि आप समझ ही गए होंगे कि इस कॉमिक्स का नाम मैंने सबसे लास्ट में क्यों लिया। तो स्टोरी के हिसाब से एक एलियन
धरती पर आकर तबाही मचाने वाली होती है और वह जरिया बना लेती है ध्रुव की सबसे करीबी नताशा को। नताशा को बचाने की कोशिश में ध्रुव उसे चोट पहुंचा देता है। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे एक सेकेंड, ये तो मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया। खैर शुरू से शुरू करते हैं। कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में शक्ति की मानव रूप चंदा काम के सिलसिले में राजनगर में होती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके पुराने प्यार डॉक्टर तरुण से। इन मुश्किलों के बीच वह चोट खा जाती है कुछ लुटेरों से, जिनके पीछे ऑलरेडी सुपर कमांडो ध्रुव भैया लगे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, अब समय होता है शक्ति के आने का। शक्ति लुटेरों को दंड देने के लिए तैयार होती है, लेकिन ध्रुव बीच में आ खड़ा होता है, क्योंकि दंड देने का काम तो कानून का है। समझ रहे हो आप? फहमी फिर से, लेकिन इस बार फाइट हो रही है शक्ति और कैप्टन ध्रुव की, जो कि राज कॉमिक्स के इतिहास में अनबीटेबल रह चुका है। और इस फाइट में शक्ति को भी यह मानना पड़ता है कि ध्रुव को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके बाद अगले एलियन वाले हमले में दोनों की जंग पहले से हो उस पर पहले ही एलियन हमला कर देता है, जिससे दोनों ही साथ में निपटते हैं। तो दोस्तों ये थी राज कॉमिक्स में शक्ति की बाकी सुपर हीरो से मुलाकात की जर्नी। वैसे मुलाकात का मुक्कलात कहना ज़्यादा सही रहेगा। राज कॉमिक्स में शक्ति को काफ़ी प्लानिंग के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन आगे जाकर यह कैरेक्टर अपना ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाया। और आज की डेट में राज कॉमिक्स के तीनों ही पब्लिशर इस कैरेक्टर पर कम ही बात करते हैं। खैर आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट के साथ ही शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।